Hello viewers, in this video we'll learn how to insert a list of cases, list of rules and list of regulations and authorities in the Microsoft Word document. इससे पहले हमने वीडियोस बनाई थी जिसमें आपको सिखाया था किस तरह लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह लिस्ट ऑफ केसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अथॉरिटी इंसर्ट करते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में। जो भी चीज़ हमें लिस्ट में ऐड करनी है, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उस पैराग्राफ को, लाइन को या टेक्स्ट को। उसके बाद रेफरेंस के टैब पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल, इस लिस्ट ऑफ केसेस को हमें ऐड करना है केसेस कैटेगरी में, तो उसके लिए हम मार्क साइटेशन पर यहाँ क्लिक करेंगे। ये बॉक्स ओपन होगा, तो उसमें या कैटेगरी में हम केसेस सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर शार्ट साइटेशन अवेलेबल है तो आप उस पर क्लिक कर लें, नहीं तो यहाँ पर आप कुछ डिस्क्रिप्शन में कोई भी शार्ट साइटेशन उसकी दे सकते हैं जिससे वो केस रिलेटेड हो। उस पर क्लिक करें और मार्क के बटन पर क्लिक करें। अब ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब दूसरा, हमें लिस्ट ऑफ रूल ऐड करना है। उसके लिए भी जिस पैराग्राफ, लाइन या टेक्स्ट को आपने ऐड करना है उसमें, वहाँ पर सिलेक्ट करें पहले उस पैराग्राफ को, दोबारा मार्क साइटेशन पर क्लिक करें। अब यहाँ कैटेगरी में आप हमें रूल में ऐड करना है इसको, तो रूल पर क्लिक कर दें। रूल पर क्लिक किया, अगर उसकी शार्ट साइटेशन अवेलेबल है तो आप उस पर क्लिक करें, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर दें, मार्क क्लिक करें, देन क्लोज। उसके अलावा अभी हमें एक और ऐड करना है लिस्ट ऑफ, चलिए ये टेक्स्ट इसको हम ऐड करते हैं लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस में या अथॉरिटी। उसके लिए टेक्स्ट सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पे आए और यहाँ पर हमने क्लिक किया है रेगुलेशंस, रेगुलेशन पे क्लिक किया। यहाँ साइटेशन अवेलेबल नहीं है, इसमें हम लिख रहे हैं न्यू रेगुलेशंस, लेकिन आप जो देंगे वो साइटेशन जो आपकी प्रॉपर है वो वाली आप साइटेशन यहाँ पर लिखेंगे। देन मार्क पर क्लिक करें, देन क्लोज। अब इसमें हमने रेगुलेशन भी ऐड कर दिए, लिस्ट ऑफ केसेस भी ऐड कर दिए और लिस्ट ऑफ रूल्स भी ऐड कर दिए। अब ये जो साइटेशन है आप इसको ऑफ कर दें, उसके लिए हम होम के बटन पर जाएंगे और यहाँ क्लिक कर दें साइट। अभी हमें क्या करना है कि जो हमने रूल्स, रेगुलेशंस और केसेस ऐड किए हैं लिस्ट में, उनको इंसर्ट करना है या देखना है कि कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन हमने ऐड किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके लिए रेफरेंस के बटन पर आप क्लिक करें और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ हमें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिस्ट देखनी है या सारी कैटेगरीज की देखनी है। अगर हमें सारी कैटेगरीज की देखनी है तो आल पर क्लिक करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की देखनी है तो उस पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ सारी कैटेगरीज की देखनी है तो आल पर क्लिक करें और ओके कर दें। अभी देखिए हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है जो हमने अभी डिफरेंट इंसर्ट की थी। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।